बांग्लादेश के खिलाफ वाइड बॉल ना देकर विराट कोहली का शानदार शतक पूरा करवाने के बाद अब अंपायर पर आईसीसी ने लगाया बड़ा जुर्माना। लेकिन फिर विराट कोहली ने किया कुछ ऐसा, जीता सबका दिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मुकाबले में विराट कोहली ने दमदार शतक पूरा किया, लेकिन ये शतक पूरा करवाने में अंपायर का अहम रोल रहा, जहाँ पर उन्होंने एक वाइड गेंद को वाइड ना देकर विराट को शतक तक पहुँचाया। तो दोस्तों, इसके बाद अब आईसीसी ने बड़ा कदम उठाते हुए अंपायर रिचर्ड केटलबर्ग अब बड़ा जुर्माना ठोक दिया है। लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने भी कहा कि ये जुर्माना मैं खुद भरूंगा। तो इसके बाद जानकर आप भी होंगे हैरान, तो दोस्तों बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप भी अंपायर के इस शानदार फैसले से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चले दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार अंपायर के ऊपर कितना बड़ा जुर्माना लगा है और क्या है पूरा माजरा इसके बारे में। तो दोस्तों, विराट कोहली जब अपने शतक से मात्र 3 रन दूर थे और भारतीय टीम को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, तभी दोस्तों यहां पर नसूम अहमद ने एक गेंद डाली जो कि लेग स्टंप के बाहर थी और ये गेंद लगभग वाइड थी। लेकिन इसके बाद अंपायर केटलबर्ग ने इसे वाइड नहीं दिया और यहां पर विराट कोहली को शतक पूरा करने का एक और बेहतरीन मौका दिया। इसके बाद विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नसूम अहमद की गेंद पर कमाल का छक्का लगाकर मुकाबले को टीम इंडिया की झोली में तो डाला, साथ ही अपना 48वां शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जब उन्हें पता चला कि आखिरकार आईसीसी ने अंपायर के ऊपर बड़ा जुर्माना लगाते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, तो विराट ने इसके बाद जो काम किया वो भी काफ़ी नेक था। वैसे आपको बता दें कि विराट कोहली ने शतक के बाद सबसे पहले अंपायर को ही शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो शतक तक पहुँच पाए थे। लेकिन इसके बाद आईसीसी ने भी बड़ा फैसला लेते हुए यहाँ पर अंपायर के ऊपर करारा 10 लाख का जुर्माना ठोक दिया, क्योंकि वो गेंद वाइड थी और इन्होंने उसे जानबूझकर वाइड नहीं दी। ये एक टीम के प्रति उनकी संवेदना या फिर एक प्लेयर के प्रति उनकी संवेदना थी जो कि उन्हें शतक तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन क्रिकेट में भावनाओं का खेल होता है, जहां पर दूसरी टीम को भी उनके खेल के प्रति भावनाओं को देखते हुए किसी एक टीम के पक्ष में फैसला नहीं देना चाहिए था, जिसकी वजह से इनके ऊपर करारा 10 लाख का जुर्माना ठोक दिया यहाँ पर आईसीसी ने। लेकिन इसके बाद जब विराट कोहली को पता चला कि आखिरकार आईसीसी ने अंपायर के ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाया, तो विराट ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि अंपायर पर जितना भी जो भी जुर्माना लगा है उसे मैं खुद भरूंगा, अंपायर को इसके लिए कुछ नहीं देना होगा। साथ ही आईसीसी से भी उन्हें गुहार लगाई है कि अंपायर के ऊपर अब कोई और बड़ा या सख्त सज़ा ना दें और उन्हें अगले मैच में भी अंपायरिंग करने का मौका दे। तो दोस्तों, विराट कोहली के स्नेक दिल के बारे में आप क्या कहेंगे कि आखिरकार उन्होंने अंपायर के ऊपर लगे हुए जुर्माने को भी खुद भर दिया? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।